अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डैट इज स्टेप अप लर्निंग। तो व्यूअर्स, आज हम जिस खास ऐप के बारे में बात करने जा रहे हैं, डैट इज ओक्टा एफएक्स। ओक्टा एफएक्स है क्या? हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका ये क्वेश्चन किया गया है कि ओक्टा एफएक्स क्या सेफ ऐप है, इसमें किस तरह ऑनलाइन अर्निंग की जा सकती है और ये बेसिकली है क्या, ये क्या ये स्कैम तो नहीं है। तो व्यूअर्स, हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो ओक्टा एफएक्स जो है वो एक ट्रेडिंग ऐप है जिसमें आप लाइक कोई काम है जिसे आपने देखा हो कि तिजारत का वर्क ही, जैसे हम कह देते हैं जिसको एक सिंपल अल्फाज के अंदर, कि ट्रेडिंग ऐप में ये कि आपने एक ग्राफ आपको दिया जाता है, उसके मुताबिक आपने एक सेट टाइम सेट करना होता है कि ये ऊपर जाएगा कि ये नीचे जाएगा, यानी उस हिसाब में कि आने वाले वक्तों में ये वर्क ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, लाइक उस हिसाब से आपको बेनिफिट होगा। अगर ये ऊपर जाएगा उस हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे, अगर ये नीचे जाएगा तो उस हिसाब से आपको लॉस होगा। और इसमें इन्वेस्ट सबसे पहले किया जाता है, जैसे एक IAQ ऐप है उसमें भी इन्वेस्ट किया जाता है, फिर उस हिसाब से आप अपना कारोबार जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सेम ओक्टा एफएक्स भी ऐसे ही है, इसमें आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद आपको उस ग्राफ के रिलेटेड टाइमिंग सेट करनी पड़ती है कि आने वाले वक्तों में ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अब ये काम कोई ये भी कह सकता है कि ये जायज है या नाजायज है, लाइक ऐसा कुछ वर्डिंग भी, तो आप इससे रिलेटेड वर्क जो है पूछ सकते हैं किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से कि जो ट्रेडिंग ऐप होती है क्या उन पर वर्क करना जायज है या नाजायज है एज एन मुस्लिम। तो ये चीज़ें आप सर्च आउट कर सकते हैं। बेसिकली ओक्टा एफएक्स में वर्क कैसे करते हैं, इसका अकाउंट साइनअप कैसे किया जाता है, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए व्यूअर्स, आपको स्क्रीन शेयर करते हैं और उसमें आपको पता चलता है कि कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। एंड्रॉयड यूजर्स हैं तो या आईफोन के, तो अपने अपने स्टोर में जाना और जाके आप लोगों ने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको ये इस तरह नज़र आएगा। यहाँ पे आपने अपने फेसबुक के साथ नहीं, गूगल के साथ इसको लॉगिन कर लेना है। इसको लॉगिन करने के बाद आपने एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे अपनी सिटी डाल दीजिएगा। सिटी के बाद आपके पास स्ट्रीट एड्रेस आएगा, वो डाल दीजिएगा, साथ ही नंबर आएगा उसको ऐड कर दीजिएगा एंड अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद आपके पास एक अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसके बाद भी नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दो तरह के जो अकाउंट टाइप नज़र आएंगे वो होगा रियल या डेमो, तो आप इसमें जो है वो डेमो डालेंगे, ठीक है। आपने अगर करना है यहाँ पे तो कैसे है, ये पूरी अकाउंट की डिटेल्स आ गई है, ठीक है। आपके अकाउंट में ये जो 5,000 है ये तो आप नहीं निकलवा सकते। फिर फ्री इसमें ये है, लेवरेज इसका ये है, नो स्वैम एक्शंस इसमें ये हैं। एक्शंस इसमें ऐसे होंगे कि अगर आपने टॉप के लिए जाना है तो उसके लिए अकाउंट या अमाउंट डालनी होगी, ट्रेड के लिए जाना है तो आपने इधर ओक्टा एफएक्स को सर्च कर देना, लाइक उसमें सेलेक्ट कर देना। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये कि वो नीचे जाएगा, ठीक है, और ग्रीन ग्राफ भी यही चीज़ शो करवा रही है, तो इसलिए आपके आप इसमें यूरो एसडी ही कर दीजिएगा ताकि ये फॉरेक्स के मुकाबले आप ट्रेड कर सकेंगे कोई भी काम। आप देखेंगे कि जो यूरो है वो एसडी के मुकाबले में वो अप जाएगा कि आने वाले वक्त में कि वो नीचे जाएगा, ठीक है, और ग्रीन ग्राफ भी यही चीज़ शो करवा रही है, तो इसलिए आपके आप इसमें यूरो एसडी ही कर दीजिएगा ताकि ये फॉरेक्स के मुकाबले में किधर जाएगा। अगर आप ये कर देंगे और अपने जो लॉट्स हैं वो कम से कम रखने चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जो ट्रेडिंग है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो, मतलब लाइक जो आपकी ट्रेडिंग है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो इनक्रीज़ होगी। अगर यूरो जो है वो एसटी से ऊपर जा रहा है या कम जा रहा है, तो मतलब ये पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक ही है, जैसे 1 रुपीज़ है वो डॉलर से इंक्रीज़ कर रहा है या लेस कर रहा है, तो आपको कैसे वो होता है, तो कंप्लीट लेस ही, जैसे करेंसी की वैल्यू गिरती है, ये सेम ग्राफ भी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, कब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर आपने ऑर्डर्स कैसे गेन करने, ये बाय के थ्रू आप कोई भी ऑर्डर जो है वो ओपन कर लेंगे और उसके रिलेटेड मतलब वर्क करेंगे। लेकिन ये था इसको साइन अप करने का तरीका, लेकिन इसमें जो मेन बात ये है कि आप ऐसी ट्रेडिंग जो करते हैं इनके लिए या जो भी कोई भी ट्रेडिंग ऐप यूज़ कर रहे हैं उसका फ़ायदा तो कोई नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये लोग सेम ऐसे जैसे यूट्यूब का एल्गोरिथम सेट होता है कि आप उसमें अगर कुछ वर्क करो तो आपको $5 कर रहे हो तो वो $15 देगा या $10 दे, पहले तो ठीक लगता है लेकिन वक्त के साथ साथ हर चीज़ को कुछ ना कुछ चेंजिंग होती रहती है। तो ऐसी ट्रेडिंग ऐप से अच्छा है कि आप इसको ना यूज़ करें। बेसिकली लोग इसका मशवरा यही देते हैं कि वो यूज़ करें, लेकिन आप लोग अपना इस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप वही जो इन्वेस्टमेंट इधर कर रहे हैं वो आप फिजिकली तरीके से कोई कारोबार स्टार्ट कर लें, वो आपके सामने भी होगा और वो कोई स्कैम भी नहीं होगा। तो मेरा मशवरा यही है। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियोस इंफॉर्मेटिव मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।